यूआरपीएफ में जो इंटरेस्ट आता है उसका क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट रहता है, वो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट। यूआरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो भी क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है, हाँ या ना। लेकिन बेटा जब आप पैसा निकालते हो, जब आप लमसम अमाउंट क्या करते हो, निकालते हो, तो उसके बेटा चार पार्ट होंगे। पहला क्या होगा, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या डबल ही लिख सकता हूं एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट, हाँ या ना। और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक और चीज क्या होगी, इस पे इंटरेस्ट। तो बेटा ये एम्प्लॉयर वाली दोनों चीजें तो कहां टैक्सेबल होंगी, सैलरी के अंदर। अच्छा एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमेशा क्या करना है, इग्नोर। लेकिन कौन सा वाली चीज टैक्सेबल हो जाएगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कहां पर, आपको पता है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह चार्जिंग सेक्शन है। आपने देखा था कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर दी सैलरी, हाँ या ना। लेकिन बेटा इंटरेस्ट फिर भी सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने नहीं दिया था। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली इन्हें क्या बोला है कि इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर। क्लियर है सबको ये बात? देखो मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट हमेशा, इंटरेस्ट ऑलवेज टैक्सेबल होता है आईएफओएस के अंदर। कहां होता है, समझ रहे हैं आप लोग, ऑलवेज बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट हमेशा कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस। जो आपने देखा वो एक्सेप्शन वाला केस है, वहां पर कहां हो रहा है, सैलरी के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? इसके अलावा एक और फंड देखा था, वो कौन सा था, एसएएफ सुपर एनुएशन फंड, आया ना। अच्छा उसमें भी पैसा तीन ही जगह से आता था, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट तो है लेकिन लिमिट यहां पर भी थी। अच्छा लिमिट पर, एक सेकेंड, लिमिट परसेंटेज में थी या एक वैल्यू में थी, अमाउंट में लिमिट थी, कितनी थी, 1,50,000। सभी लिमिट पर है ना, मैं अगर है तो, जो आपने लमसम पैसा विड्रॉ करा क्या वो टैक्सेबल होगा एसएएफ के टाइम पे, सुपर एनुएशन फंड नहीं, एग्जेम्प्ट रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, सब लोग ध्यान देना, मैंने आपको एसएएफ के बारे में बताया था कि ये सिमिलर टू किसकी तरह है, स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरह। देखो स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी इग्नोर करते थे, उसमें भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता था इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट, उसमें भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता था। लेकिन यहीं पर तो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि वहां पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या है, लिमिट है, हाँ या ना। अच्छा उसमें से जब विड्रॉ करते थे, तो वो चीज क्या होती थी, एग्जेम्प्ट। इसमें भी क्या है, एग्जेम्प्ट। सबको क्लियर है इतनी बात? देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, परक्विजिट, क्या पढ़ने वाले हैं, परक्विजिट। सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से बेटा, आपसे पूछूंगा बताऊंगा नहीं, परक्विजिट मतलब क्या होता है, फैसिलिटी या फिर बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई। अच्छा अलाउंस और परक्विजिट में क्या फर्क है, अलाउंस में एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। एक बार बच्चे रीड कर लीजिए, आपको ये बातें ऑलरेडी पता है लेकिन एक बार रीड कर लीजिए आप, अलाउंस और परक्विजिट एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। अलाउंस और परक्विजिट में फर्क पता है आपको, डिफरेंस पता है, अलाउंस मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट मैंने आपको 10,000 रुपए पर मंथ दिया, आप खर्चा करो नहीं करो, कितना करो, उससे कोई मुझे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। सबको क्लियर है इतनी बात? अच्छा अलाउंस में आपको जैसे ही अलाउंस का नाम आए आपको याद आना चाहिए कुत्ता टीसी उधर है, और अगर कुत्ता टीसी उधर है के अलावा कुछ है तो वो तो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। यस और नो? चलो आज टेस्ट ले ही लेता हूं, बताओ मेडिकल अलाउंस, क्या मेडिकल अलाउंस कुत्ता टीसी उधर है में था? अगर वहां नहीं था तो क्या हाँ होगा, टैक्सेबल में होगा। क्लियर है आप लोगों को ये बात, आया ना। अच्छा परक्विजिट मतलब क्या होता है, फैसिलिटी या फिर बेनिफिट प्रोवाइडेड। जैसे कि मैंने आपको ड्राइवर प्रोवाइड करा तो क्या ये एक फैसिलिटी है? मैंने आपके बच्चों का और आपका एडमिशन कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में करवाया, मतलब एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या ये भी परक्विजिट है? मैंने हॉस्पिटल में आपका एडमिट करा दिया, जरूरत थी आपको, तो क्या वो भी क्या वो भी परक्विजिट है? आपको पता है इनकम टैक्स दुनिया के सबसे टफेस्ट लॉ में से, मतलब दुनिया के सबसे टफेस्ट लॉ में से एक नहीं है, सबसे टफ ही है। पता है आपको इंडिया का इनकम टैक्स दुनिया का सबसे टफ एक्ट है, दुनिया का सबसे टफ। पता है आपको या नहीं पता?
नहीं पता था बेटा, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसी बात बोली है कि इंडिया का इनकम टैक्स समझना मतलब पता नहीं क्या करना, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट पता है अपने इशारों पे नचाती है। आपने देखा है ना गवर्नमेंट कितनी कितना खेलती है हमारे साथ, एक एक कितनी कितनी बारीकियों में घुस रही है। हाँ या ना बेटा, सैलरी की डेफिनेशन क्या सब जगह एक नहीं हो सकती थी? क्या यूनिफॉर्म डेफिनेशन हो सकती थी? लेकिन हर जगह पे हमने सैलरी की डेफिनेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इतनी इतनी बारीकियों पे टैक्स लगाया ना, आगे जाके आप हंसेंगे। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, परकिजिट, क्या पढ़ने वाले हैं, परकिजिट में ही पहला परकिजिट हम पढ़ेंगे बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन। आपके एम्प्लॉयर ने आपसे बोला घूमने जाओ, क्या बोला? आपके एम्प्लॉयर ने बोला मनाली जाओ पैसा मैं दूंगा। आपके एम्प्लॉयर ने क्या बोला, मनाली जाओ, गोवा जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, पैसा कौन देगा? भाई देगा। कौन देगा? और भाई का मतलब कौन? अरे भाई का मतलब मैं नहीं, भाई का मतलब एम्प्लॉयर, भाई का मतलब कौन? आप बताओ, घूमने भी अगर जा रहे हो ना तो उस पर भी टैक्स लगेगा, समझ रहे हो? और बेटा टैक्स भी ऐसे नहीं लगेगा कि बस टैक्स लगेगा, उसमें भी बारीकियां हैं। देखें अपन, तो बेटा फॉर एग्जांपल आप कहीं पर, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान देना, लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है? अब अपन देखते हैं बेटा लीव ट्रेवल कंसेशन क्या देखने वाले हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन मतलब आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि आप घूम के आओ। आपके एम्प्लॉयर ने क्या बोला, आपको पता है घूमना भी जरूरी है। जरूरी है क्या? अच्छा क्यों घूमना जरूरी है बताओ मुझे। आप पता है फर्जी बातें बताओगे लेकिन बताओ मुझे आज। माइंड फ्रेश होने के लिए घूमना जरूरी है, वेरी गुड। और मैं आपको बताऊं घूमना क्यों जरूरी है। एक सेकंड मैं बताता हूं ना। देखो आपने क्या बोला, सब लोग ध्यान देना बच्चे, आपने क्या बोला, माइंड फ्रेश होने के लिए घूमना जरूरी है। हाँ या ना? या फिर मोटिवेशन, या फिर ताकि हम वर्क करने के, काम करने के लिए इच्छुक हो, इसलिए क्या होना जरूरी है, घूमना जरूरी है। मैं आपको बताऊं यहां पर एम्प्लॉयर क्यों घूमवाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर हूं। क्या हूं? आपको पता है पूरा का पूरा पैसा एक ब्रांच का किसके हवाले रहता है, कैशियर के हवाले। तो बेटा अगर जिंदगी भर वही कैशियर वहीं पर बैठा रहा तो वो तो फ्रॉड करता जाएगा, और किसी को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। इसलिए पता है हर एक दो साल में उससे बोलते हैं तू घूमने जा, तू 15 दिन के लिए घूमने जा। और 15 दिन पता है, फॉर एग्जाम्पल वैसे कैशियर कौन है, मैं। इन 15 दिन में कैशियर किसको बना देंगे, जतिन को बना देंगे। तो बेटा जैसे ही जतिन आएगा तो क्या वो मेरा करा हुआ फ्रॉड पकड़ सकता है? समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा जो आप बोला है ना कि माइंड फ्रेश करना, ये तो एक वजह है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी वजह पता क्या है, माइंड गेम खेलना नहीं, आपके ऊपर कंट्रोल रखना। जब आप नहीं होंगे तो आपका काम चेक किया जाता है, जब आप नहीं होंगे तो आपका काम क्या किया जाता है कि आप कहीं, क्योंकि यहां पर ऑथोरिटी पूरी किसके पास है, कैशियर के पास। तो बेटा अगर वही इंसान वहीं पर रहेगा तो फ्रॉड 10 साल पहले हुआ होगा, लेकिन फ्रॉड पता कब चलेगा, 10 साल बाद जब वो जॉब छोड़ के जाएगा। आया ना? और हम उसको कब पकड़ना चाहते हैं, जब वो जॉब कर रहा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? इसलिए गवर्नमेंट है ना इंफेसिस करती है कि हमको एम्प्लॉय को किस चीज पे भेजना चाहिए, घूमने के लिए। अच्छा बताओ, हर किसी बिजनेस, मुझे बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है या एक सीएस फॉर्म है, उसके अंदर भी एम्प्लॉयज होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट हम लोगों से बोलती होगी घूमने जाओ, या ऐसे जगह पे जहां पर रिस्क है, जैसे कि बैंकिंग, बैंक में रिस्क है फ्रॉड्स होने के। हाँ या ना? जैसे कि बेटा एटॉमिक सेक्टर होता है, परमाणु वाला, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, तो उसमें भी, लेकिन जैसे कि एटॉमिक सेक्टर का हेड है एक बंदा, एटॉमिक सेक्टर का हेड है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है बेटा? इसके पास पूरे फॉर्मूले हैं, ये क्या बनाने वाला है, एटम, मतलब परमाणु हथियार बनाने वाला है कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को बेच भी सकते हैं? आप बताओ, काम तो इंडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दूसरे को भी, किसी को वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, वो चुपके से? समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए बेटा सब जहां पर रिस्क होता है ना, जहां पर रिस्क, वहां पर एम्प्लॉय को क्या करा जाता है, घूमने वगैरह भेजा जाता है, ताकि उसकी एब्सेंस में उसके काम को चेक करवाया जा सके। समझ रहे हैं? सबको क्लियर है इतनी बात? हम बात कर रहे हैं लीव ट्रेवल कंसेशन की, आप समझ गए हम किसकी बात करने वाले हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन, आप खुद के पैसों से घूमने जा रहे हो, कुछ सोचने की जरूरत है क्या बेटा? खुद के पैसों से घूमने जा रहे हो तो क्या टैक्स लगेगा बताओ? खर्च करने पे टैक्स लगता है या कमाने पे टैक्स लगता है? तो अगर मैं खुद के पैसे से मनाली घूमने गया, यार मेरे को तो कोई घुमाता ही नहीं है, तो मैं तो खुद के पैसों से ही जाऊंगा। आया ना? तो अगर मैं अपने पैसों से मनाली घूमने गया तो क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा? मेरे ऊपर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। लेकिन बेटा
अब वापस से एक बात सोचना, एपीटी ने मुझे घूमने भेजा, एपीटी चेक करना चाहती थी कि मास्क सर के एब्सेंस में टेक्स में हो क्या रहा है। एपीटी क्या चेक करना चाहती थी, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, हाँ या ना? तो बेटा एपीटी ने मुझे घूमने भेजा, अब मुझे बताओ अब मैं किसके खर्चे पे गया हूँ, एम्प्लॉयर के खर्चे पे? तो बेटा अब मैं उससे कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, भले मेरी जेब में नहीं आ रहा लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अर्न। आप बताओ घूम रहा हूँ तो क्या पॉकेट में घूम रहा हूँ या कुछ ना कुछ वो मेरी इनकम है, मतलब मुझे बेनिफिट मिल रहा है, हाँ या ना? फैसिलिटी है, उसी बेनिफिट या फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, परकिजिट। क्या बोलते हैं? और बेटा परकिजिट भी जनरली क्या होते हैं, टैक्सेबल। जनरली क्या होते हैं? तो अगर एपीटी ने मुझे घूमने भेजा है और उसमें टोटल खर्चा आया 50 लाख रुपए, कितना खर्चा आया? सुनिए मेरी बात ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? बेटा आप लोग है ना, अभी मैं आपको कुछ काम की चीज बताना चाहता हूं। खर्चा कितना आया? 50 लाख रुपए। क्लियर है आप लोगों को? बेटा 4 महीने के लिए घूमने भेजा था और घूमने भी 25-30 कंट्री भेजा था, तो 50 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब मुझे बताओ ये 50 लाख रुपए पता है क्या होंगे? टैक्सेबल। क्या होंगे? क्योंकि एपीटी ने मेरे घूमने पे कितना खर्च कर दिया। अच्छा मुझे बताओ 50 लाख रुपए एपीटी के हाथ में टैक्सेबल होंगे या मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे? फैसिलिटी किसके लिए है? फैसिलिटी मेरे लिए है, हाँ या ना? ध्यान रखना, वैसे तो ये पूरा 50 लाख टैक्सेबल है लेकिन इसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा और अब आपको इसकी आदत हो जाना चाहिए एग्जेम्पशंस की। देखिए ग्रेच्युटी में भी क्या हो रहा था, कुछ एग्जेम्पशन मिल रहा था, लिस्ट ऑफ 3, हाँ या ना? लीव सैलरी में भी क्या मिल रहा था, एग्जेम्पशन मिल रहा था, लिस्ट ऑफ 4। पहले क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है सैलरी में। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, जितना भी अमाउंट होता है वो क्या होता है, पहले टैक्सेबल और फिर कुछ ना कुछ उसमें एग्जेम्पशंस हो सकते हैं, हाँ या ना? जैसे कि बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन कितना है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन है, दिया जितना वो टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एग्जेम्पशन कितना रहेगा, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का, हाँ या ना? तो आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि जितना भी खर्चा वगैरह होता है या जितना भी फैसिलिटी या जितना भी अमाउंट प्रोवाइड करा जाता है वो तो क्या होता है, टैक्सेबल। वो क्या होता है, बाद में कुछ हम अपना दिमाग लगाते हैं जो कि गवर्नमेंट बोलती है दिमाग लगाने को, और हम क्या निकालते हैं, एग्जेम्पशन, हाँ या ना? मुझे बताओ अगर टैक्सेबल 50 लाख है और एग्जेम्पशन आपने निकाला 10 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आ रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनली टैक्सेबल कितना होगा, 40 लाख रुपीज होगा। एग्री करते हैं इस बात से? इसका मतलब ये 50 लाख टैक्सेबल नहीं है, 50 लाख तो क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस। क्या है? तो बेटा एम्प्लॉयर ने खर्चा करा 50 लाख, आपको एग्जेम्पशन अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, 10 लाख। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, मैंने एक नोशनल एग्जांपल लिया, आपको एग्जेम्पशन कितना मिल रहा है, 10 लाख। 50 लाख का टोटल खर्च करा, एग्जेम्पशन 10 लाख आ रहा है, इसका मतलब क्या, 40 लाख क्या है, टैक्सेबल है। सबको क्लियर है? अब ये जो चार्ट है, सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जितना मैं आपको हाईलाइट करूंगा आपको उतना ही पोर्शन देखना है। मैं आपके सामने पूरा चार्ट लेके आऊंगा, आप मेरे साथ चलेंगे ना कि आगे आगे। क्लियर है आप लोगों को? लीव ट्रेवल कंसेशन यही पढ़ने वाले हैं, हाँ या ना? जब से आए, जब से एसी की बात हो रही है बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन में आप घूमने गए हो, और घूमने किससे गए हो, किससे गए हो, बाय एयर गए हो, हाँ या ना? तो बेटा बाय एयर जाओगे तो कुछ अलग होगा, बाय अदर मोड जाओगे तो कुछ अलग होगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, बारीकी कूट कूट के भरते हैं ये लोग, बारीकी कहां कहां से पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं दिमाग लगा के, लेकिन बारीकी लेके आते हैं ये लोग। तो ये मालूम है क्या बोलते हैं कि लीव ट्रेवल कंसेशन में हम आपको एग्जेम्पशन देंगे सेक्शन 10 क्लॉज 5 के अंदर। कहां देंगे? सेक्शन 10 क्लॉज 5 के अंदर। बेटा सेक्शन वगैरह मैंने आपको शायद पहले ही बताया हुआ है, आपके लिए काम के नहीं है, आप कंटेंट याद रख लो ना, इट इज मोर देन सफिशियंट। समझ रहे हैं मेरी बात? सेक्शन जाए बाहर में बेटा, आपको क्या याद रखना है, ये जो अंदर का कंटेंट है ना, ये अंदर का कंटेंट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सेक्शन बेटा, सेक्शन में उलझना ही नहीं है हमको। क्लियर है आप लोग को? तो बेटा ये क्या बोलते हैं, अगर आप घूमने गए, लीव ट्रेवल कंसेशन मतलब किसकी बात हो रही है, घूमने की बात। अगर आप घूमने कैसे गए हैं, बाय एयर कैसे गए हैं, तो बेटा जितना भी खर्चा करा, मैंने अभी आपको क्या बताया था एग्जाम्पल में, 50 लाख, कितना बताया था, जितना भी आपने खर्चा करा उसको आप कंपेयर करोगे इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया से। एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन है, एयर इंडिया कौन सी है,
अच्छा सरकारी थी, अब नहीं है। और यहां पर एयर इंडिया का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वो सरकारी है, सरकारी थी। तो बेटा आपको क्या करना है, जितना भी आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा उसको किससे कंपेयर करोगे, ध्यान रखना, बिजनेस क्लास फेयर से नहीं करोगे, कम वाले से करोगे। कम वाला क्या होता है, बजट वाला कौन सा होता है, इकोनॉमी क्लास फेयर। तो आप 50 लाख रुपए को किससे कंपेयर करोगे, इकोनॉमी क्लास फेयर, और इन दोनों में से क्या ले लोगे, विच एवर इज लोअर। और इकोनॉमी क्लास फेयर जब आप लोगे तो आप किसका लोगे बेटा, एयर इंडिया का लोगे। हो सकता है आगे बता दें बस और राजहंस की बस, मतलब उस टाइप की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर फ्लाइट में भी कोई सी भी फ्लाइट का नहीं बोला, सिर्फ कौन सी फ्लाइट देखनी है आपको, एयर इंडिया। अब आप बेटा गए किसी से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं गया हूं भोपाल से गोवा, मैं कहां गया हूं, और मैं गया हूं बेटा एयर से, बाय कैसे गया हूं, बाय एयर। टोटल मेरा खर्चा आया जो एम्प्लॉयर ने बियर करा वो है 10 लाख, कितना है, और मैं गया हूं प्राइवेट जेट से, कैसे गया हूं बेटा, बातों में चले जान देना यार, है ना, वैसे तो अपन ने देखा भी नहीं है, मैं कैसे गया हूं बेटा प्राइवेट। तो भले ही मैं प्राइवेट जेट से गया हूं, लेकिन आप कंपेयर प्राइवेट जेट के किराए से करोगे या इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया से ही कंपेयर करना पड़ेगा, इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया। अच्छा गया भले ही मैं बिजनेस क्लास से हूं, लेकिन कंपेयर किससे करना पड़ेगा, इकोनॉमी क्लास फेयर से। समझ रहे हैं आप लोग बेटा, यहां पर इन्होंने एक्चुअल खर्चे को देखा ही नहीं, यहां पर इन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम हम एग्जेंप्शन कितना देंगे, इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया के बराबर। मतलब जितना भी आपने खर्चा करा उस खर्चे को आप किससे कंपेयर करोगे, इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया, और विच एवर इज क्या आएगा, उतने का आपको क्या मिलेगा, एग्जेंप्शन। एक एग्जाम्पल देखें इसका, ध्यान रखना बेटा एग्जाम्पल कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत टेक्निकल नहीं होगा, यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, ध्यान से देना। ध्यान रखना एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया 20 लाख, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आया, मैं बिजनेस फेयर से गया था और उसमें मेरा खर्चा आया 30 लाख, बिजनेस क्लास में गया था खर्चा कितना आया, अगर मैं इकोनॉमिक क्लास ऑफ एयर इंडिया से गया होता तो खर्चा सिर्फ 5 लाख होता। तो बताओ यहां पर कितना लिखूं, यहां पर कितना लिखूं, और एग्जेंप्शन कितना रहेगा, 20 लाख और 5 लाख, विच एवर इज लोअर, मतलब कितना एग्जेंप्शन रहेगा, 5 लाख रुपए का एग्जेंप्शन। बेटा अगर मैं बोल रहा हूं 5 लाख एग्जेंप्ट रहेगा तो टैक्सेबल कितना रहेगा, ध्यान रखना बेटा एग्जेंप्शन एग्जेंप्शन खेलते खेलते टैक्सेबल टैक्सेबल मत भूल जाना, हमेशा ध्यान रखना। समझ रहे हैं आप लोग बेटा, हम इतना एग्जेंप्शन में घुस जाते हैं सैलरी के अंदर क्योंकि चीजें एग्जेंप्ट होती हैं कि हम टैक्सेबिलिटी को भूल जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, हो सकता है आपसे एग्जेंप्शन पूछा हो सकता है आपसे टैक्सेबल पूछा हो, कुछ ना कुछ एक बात पूछेगा, हाँ या ना। तो बेटा हमको दोनों चीज पता होना चाहिए, और दोनों या सीधी सी बात है, अगर हमको एग्जेंप्शन पता है तो टैक्सेबल तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में से हमेशा एग्जेंप्शन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टैक्सेबल आएगा। सबको क्लियर है इतनी बात बेटा, सबको क्लियर है, लीव ट्रेवल कंसेशन अगर मैं बाय एयर गया तो सबको क्लियर है। ध्यान रखना दिक्कत जब होती है जब मैं कैसे चले गया बाय एनी अदर मोड, दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, इजी है इसको, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको जैसे यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया। समझ रहे हैं आप लोग, टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है लीव ट्रेवल कंसेशन। अब आप कैसे गए बेटा, एयर से नहीं गए, तो एयर से नहीं गए तो आप मुझे बताओ क्या एयर के किराए के अकॉर्डिंग, क्या इकोनॉमी क्लास फेयर के अकॉर्डिंग आपको एग्जेंप्शन मिलना चाहिए या एग्जेंप्शन आप चेंज होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, आप बाय एयर नहीं गए तो आप कैसे गए, आप गए रेलवे से, कैसे गए, ध्यान रखना एक सेकंड, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई बेटा, आप गए या नहीं गए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब गए किससे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किससे नहीं जा रहे, बस ये चीज काम की है, किससे नहीं जा रहे आप प्लेन से नहीं जा रहे, किससे नहीं जा रहे, बाय एयर आप लोग नहीं जा रहे हैं, क्लियर है आपको। तो बेटा अगर बाय एयर आप नहीं जा रहे ना, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वहां पर रेलवे फैसिलिटी है, ध्यान रखना आप किसी से भी गए हो मुझे कोई मतलब नहीं, क्या वहां पर, क्या मुंबई टू गोवा रेल सर्विस है क्या, मुझे बताओ है क्या, अगर है तो बेटा एग्जेंप्शन फिर रेलवे के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात बेटा, अदर मोड में चाहे मैं पैदल चले जाऊं, चाहे मैं कैसे चले जाऊं, चाहे मैं पैदल चले जाऊं, चाहे मैं शिप से चले जाऊं, चाहे मैं कार से चले जाऊं, चाहे मैं साइकिल से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं, हमेशा एग्जेंप्शन अगर रेलवे फैसिलिटी है तो किस अकॉर्डिंग मिलेगी, रेलवे फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात,
बेटा एयर में क्लियर थी बात कि आप गए किससे हैं, एयर में आप गए किससे थे, बाय एयर, तो आपको एग्जेम्पशन भी किस अकॉर्डिंग मिल रही थी, बाय। लेकिन अदर मोड में क्या है, आप गए किसी से भी हैं लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या वहां पर इंडियन रेलवे एग्जिस्ट करता है, क्या वहां पर रेलवे एग्जिस्ट करता है। अगर रेलवे एग्जिस्ट करता है, आप बताओ भोपाल टू मुंबई क्या ट्रेन होती है, होती है, 28 घंटे लगते हैं लेकिन पहुंचते हैं, हाँ या ना। रेलवे फैसिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो ध्यान रखना बेटा, एक्चुअल को कंपेयर करोगे किससे, एक्चुअल को कंपेयर करोगे फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर से, किससे करोगे। अगर रेलवे में आप फर्स्ट क्लास, ध्यान रखना, भले ही मैं स्लीपर में गया, भले ही मैं ऐसी टंके चले गया, टॉयलेट में बैठ के चले गया, लेकिन कंपेयर किससे करना है आपको, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर से, समझ रहे ना। तो बेटा अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, रेलवे फैसिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, फर्स्ट क्लास रेलवे ऑफ एसी फेयर, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर से। क्लियर है आपको, सबको क्लियर है ये बात। बेटा बाय एयर के केस में आपको किससे करना है, एयर इंडिया के इकोनॉमी फेयर से, हाँ या ना। और बेटा बाय जहां पर अदर मोड है तो वहां पर अगर रेलवे फैसिलिटी है तो आपको किससे कंपेयर करना है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर। क्लियर है इतनी बात। मुझे बताओ अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10 लाख करा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10 लाख करा लेकिन फर्स्ट क्लास एसी का फेयर सिर्फ था 50,000, तो एग्जेम्पशन कितना रहेगा। अच्छा गया मैं साइकिल से हूं तो भी एग्जेम्पशन कितना रहेगा। क्लियर है आपको। अगर रेलवे फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, आप किससे गए, पैदल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जेम्पशन फिक्स है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को किससे कंपेयर करोगे कि उतना ही अगर मैं ट्रेन से गया होता, वो ट्रेन कौन सी, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर, आया ना। विच एवर इज क्या लोअर, तो मुझे बताओ 10 लाख में से 50,000 रुपए एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट हो जाता, मतलब टैक्सेबल कितना रहता, 9,50,000 रुपए टैक्सेबल रहता, हाँ या ना। तीसरी चीज बेटा, क्या कभी कभी ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ना हो सकती है क्या, अमरनाथ यात्रा में रेलवे फैसिलिटी है या नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं है बेटा। आप घूमने जा रहे हो अमरनाथ, पक्का नहीं है ना, एग्जाम्पल गलत मत करवा देना। सुनो आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, अमरनाथ, क्या पूरा नाम क्या है, अच्छा यही है ना, नहीं ऐसा अमरनाथ मंदिर है क्या, हाँ तो आप घूमने जा रहे हो अमरनाथ मंदिर। और आप बेटा अगर बाय एयर जा रहे होते, बाय एयर अगर जा रहे होते तो हम पढ़ ही चुके हैं, हाँ या ना, किससे कंपेयर करते हैं आप, इकोनॉमी क्लास ऑफ एयर इंडिया से, यस और नो। अच्छा अगर आप अदर मोड से जा रहे होते और वहां पर रेलवे फैसिलिटी होती तो आप किसी से भी जाते, हमेशा कंपेरिजन किससे होता, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर से, यस और नो। लेकिन बेटा अगर वहां पर रेलवे फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर रेलवे फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो देखना पड़ेगा क्या वहां पर रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉग्नाइज मतलब जाना पहचाना, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे भोपाल से इंदौर जाना है, बस वगैरह अच्छी बसेस होती है, चार्टर्ड बसेस होती है जिसको आप बुक कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे भी बुक कर सकते हैं, हाँ या ना, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्या बोलते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है बस हो, जरूरी नहीं है बस हो बेटा, कार भी हो सकती है, टैक्सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा मोड है तो देखना पड़ेगा क्या वहां पर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। बेटा ध्यान रखना अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छा रिकॉग्नाइज मतलब अच्छी होती होगी ना, रिकॉग्नाइज मतलब अच्छी चीज है ना, तो अगर अवेलेबल है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा डिलक्स क्लास बस फेयर से, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, डिलक्स बेटा अच्छी क्लास होती है, डिलक्स क्या होती है बस में, मेरे को भी नहीं मालूम लेकिन यहां पर जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं तो अच्छी होती होगी, डिलक्स क्लास क्या होती होगी, अच्छी होती होगी, मेरे हिसाब से टॉप होती होगी। तो ध्यान रखना अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर किससे करना है, डिलक्स क्लास बस फेयर, एयर से जा रहे हैं तो किससे करना है, एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास फेयर से,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, जा किसी से भी रहे, कंपेयर किससे करोगे? फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी, हाँ या ना? अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? डीलक्स क्लास बस फेयर से, हाँ या ना? और बेटा आप ऐसी जगह घूमने चले गए, आप ऐसी जगह घूमने चले गए, फॉर एग्जाम्पल हम घूमने गए अमेज़न के जंगलों में, कहाँ गए बेटा? ना तो वहां एरोप्लेन है, ना वहां पर एरोप्लेन है, ना वहां पर, ना तो वहां पर एरोप्लेन है, मतलब हम एरोप्लेन से भी नहीं गए ना बेटा, वहां पर रेलवे फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है और वहां पर तो रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम नहीं है। आपको पता है अमेज़न के जंगल में लिखा रहता है कि यहां गए तो वापस आना आपकी जिम्मेदारी है, वापस आओ या ना आओ हमें कोई मतलब नहीं, पता है आपको? तो ऐसी जगह पे क्या कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता होगा क्या? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा आप ऐसी जगह पे गए जहां पर यार रेलवे फैसिलिटी भी नहीं है, क्या नहीं है? मान लेना दो मिनट के लिए अमेज़न के जंगल यही भोपाल के आसपास है, दो मिनट के लिए मान लेना, सुनो मेरी बात, वन विहार, वन विहार में बेटा एनाकोंडा भी है, देखा होगा आपने, है ना? वो अजगर है, वो इतना बड़ा हो गया उसको एनाकोंडा जैसा ही दिखता है वो। सब लोग ध्यान दें मेरी बात पे बेटा, वहां पर जाने के लिए क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है वन विहार के लिए? लिटरली नहीं है, हाँ या ना? अच्छा क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है या ये भी नहीं है? ये भी नहीं है। तो बेटा अगर उतना ही डिस्टेंस आप ट्रेन से जाते, अगर ट्रेन से जाते तो कितना खर्च आता? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा यहां पर नोशनल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? मतलब अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या चेक करना है? क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? बेटा रेलवे फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, जंगल में जा रहे हैं यार वहां कुछ नहीं है। तो अब पता है क्या देखना पड़ेगा? उतना ही डिस्टेंस अगर मैं बाय रेल जाता तो कितना खर्च आता? समझ रहे हैं आप लोग? मुझे बताओ यहां से मैं अमेज़न के जंगल जा रहा हूं जो कि है 1000 किलोमीटर, कितना है? और वहां पर जाने का कोई मोड नहीं है, कोई साधन नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे साधन नहीं है, ना तो रेलवे है ना रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसी फर्जी टाइप के साधन है, मैजिक चलती है, ऑटो चलते हैं, लिफ्ट लेके जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो उस केस में आपको बेटा अगर आप 1000 किलोमीटर रेलवे से जाते तो कितना खर्च आता? सपोज अपन मान लेते हैं रेलवे का फेयर है 10 रुपीज पर किलोमीटर, कितना है? 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो अगर 1000 किलोमीटर में रेलवे से जाता तो कितना खर्च आता? तो बेटा यहां पर आपको किससे लेना पड़ेगा? 10,000 से। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर बेटा गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी, गवर्नमेंट की मजबूरी क्या थी? कुछ भरोसे लायक चीज मिल नहीं रही थी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा उतनी ही दूर अगर तुम ट्रेन से जाते तो उतना एग्जेंप्शन देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? और ट्रेन मतलब बेटा वापस से कौन सी ट्रेन? फर्स्ट क्लास रेलवे, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी। सबको क्लियर है? बेटा बाय एयर जा रहे हैं तो फिर तो एयर ही देखेंगे, बाय एयर जा रहे हैं तो फिर तो एयर ही देखना है। समझ रहे हैं आप? सुनो सबसे बड़ी चीज है यहां पर एयर, सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर हवाई यात्रा करी तो फिर तो किसको ही देखना है? एयर इंडिया को। किसको देखना है? अगर हवाई यात्रा नहीं करी तो कुछ भी यात्रा करी बड़ा कौन? रेलवे। हवाई यात्रा नहीं करी, कोई भी यात्रा करी बड़ा कौन? अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो किसको देखना है? रेलवे। और रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो पहले कोशिश करना है किसके पास जाने की? रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। बेटा अगर ये भी नहीं है तो वापस किसके पास आना है? रेलवे के पास। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अच्छा इतनी कंफ्यूजन की यहां पर जरूरत थी नहीं, पता नहीं क्यों जानबूझ के इनकम टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ऐसा बनाते हैं लोग, समझ नहीं आता क्यों। लेकिन एक एक लिमिट डाल देते, भले एक यूनिफॉर्म अमाउंट डाल देते, इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो यही बोल देते ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही फिर एग्जेम्प्ट है। बेटा रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल में आ जाएंगे आप, सीधी सी बात है, अगर मैं भोपाल से गोवा जा रहा हूं रेलवे या तो है या तो नहीं है, स्विच करके जा रहा हूं वो तो फिर मेरा कुछ भी मोड हो गया यार। अगर मैं स्विच करके जा रहा हूं आधे रास्ते रेलवे, आधे रास्ते शेप, आधे रास्ते पैदल, आधे रास्ते ऑटो, आधे रास्ते बस, फिर तो ये कोई, समझ रहे ना आप? समझ रहे मेरी बात? बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो डायरेक्ट यहां से एंड टू एंड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एंड टू एंड, वरना ऐसे तो सभी जगह रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, हाँ या ना? सबको
सबको क्लियर है मेरी बात बेटा? अच्छा लीव ट्रेवल कंसेशन मजा आया पढ़ के? मजा आया? ध्यान रखना थोड़ी सी बारीकी अभी शुरू होंगी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही इजी है बेटा। ये तो बारीकी थी नहीं, शुरू होंगी, बारीकी हुई नहीं है, बारीकी अब शुरू होगी। अच्छा कोई भी सुन लो, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस पर किसी को अगर हंसी आई, पूरा इनकम टैक्स का एक एक प्रोविजन पूछ मारूंगा मैं उससे। चलो सब लोग मेरी बात आप ध्यान से सुनना बेटा, इनकम टैक्स में पता है दो जगह ज्यादा ही बारीकी होती है, पहली तो सैलरी की डेफिनेशन में कहां पर होती है, दूसरी बेटा होती है रिलेटिव में, इनके रिलेटिव चेंज होते रहते हैं। जब ये लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करेंगे तो रिलेटिव मतलब कोई और हो जाएगा, जब ये किसी और जगह पे जाके बात करेंगे तो रिलेटिव कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हैं बेटा? जितनी वेरिएबल सैलरी है उतना ही वेरिएबल रिलेटिव है, कभी बोलते हैं कि मैं और आप रिलेटिव है, कभी बोलते हैं मैं और आप रिलेटिव नहीं है, समझ रहे हैं? और बहुत सारी डेफिनेशन से रिलेटिव की, मतलब अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर क्या है, जैसे सैलरी है वैसे एक और मैटर क्या है, रिलेटिव। तो ध्यान रखना लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा है, अकेले जाओगे या रिलेटिव्स के साथ ही जाओगे तू जिंदगी में, मतलब कोई भी घूमने, यार एक बात बताओ, एक मैं शादीशुदा इंसान अकेला घूमने जाऊंगा क्या? क्या एम्प्लॉयर मेरा पागल है वो मुझे अकेला घूमने भेजेगा? समझ रहे हैं आप लोग? नहीं बेटा, अगर सुनो मेरी बात, अगर घूमने भेजेगा तो विथ फैमिली ही भेजेगा, घूमने विथ फैमिली ही जाया जाता है, बाकी वो बिजनेस ट्रेवल अलग चीज होती है फिर, समझ रहे हैं आप लोग? अगर वो मुझे छुट्टियों पे भेज रहा है तो बेटा अकेले नहीं भेजेगा, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं बेटा, हंसने वाली बात आगे शुरू होगी, अभी हंसने वाली बात ही नहीं। सब लोग ध्यान दें, यहां पर रिलेटिव का मतलब क्या, सुनिए, यहां पर रिलेटिव का मतलब क्या होता है सुनना, ये एक पर्सन है ठीक है, इस पर्सन के हस्बैंड को क्या बोल, इस पर्सन की वाइफ को क्या बोलेंगे? नहीं मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं, गलती से निकल गया। इस पर्सन की वाइफ को क्या बोलेंगे, इसकी स्पाउस क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, एक टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ कराना चाह रहा हूं कि एक लड़का है उसकी पत्नी को क्या बोलेंगे, एक लड़की है उसके पति को भी, लड़की है उसके पति को भी क्या बोलेंगे? ध्यान रखना इनकम टैक्स में पति पत्नी को क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं आप? तो स्पाउस मतलब पत्नी नहीं, स्पाउस मतलब पति नहीं, स्पाउस मतलब पति पत्नी कुछ भी, डिपेंड करता है सामने बात किसकी हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग? इधर ध्यान दे रहा बेटा, मैं आपको रिलेटिव की डेफिनेशन बताने वाला हूं, ये एक पर्सन है, बताओ क्या इसकी स्पाउस इसकी रिलेटिव होना चाहिए? सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? इसकी स्पाउस का ही सबसे पहला हक होना चाहिए रिलेटिव होने का। और बेटा इन दोनों के कुछ चुन्नू मुन्नू है, तो क्या ये भी रिलेटिव है? ये भी रिलेटिव है, हाँ या ना बेटा? असेसी है, ध्यान रखना असेसी मतलब जिसका अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कौन है? ये बंदा, तो उसकी वाइफ को देखिए, ये आपको ऐसे उसकी ड्रेसिंग सेंस से समझ आ रहा है ना कि वो लड़का है? ये स्कर्ट वगैरह पहनी है, ये कौन है? लड़की है, हाँ या ना? तो बेटा ये जो असेसी है, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ को क्या, वाइफ आपकी भी वाइफ बोलोगे या इसको स्पाउस बोलोगे? उसकी स्पाउस बोलोगे इनकम टैक्स में, हाँ या ना? अच्छा इन दोनों के दो नमूने हैं, चुन्नू और मुन्नू, क्या ये भी रिलेटिव होना चाहिए? आप बताओ, 5 महीने का बच्चा है मेरा, क्या उसको छोड़ के भेजेगा एम्प्लॉयर के, इसको नहीं लेके जाना, क्या उसको भी लेके जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है 5 महीने का छोड़ो, 15 साल का भी होगा, 25 साल का भी होगा, तो बच्चा जाने रहेगा क्या मुझे अकेला, है ना? ऐसा बहुत रेयर रेयर सिचुएशंस में होता होगा, हाँ या ना? सब लोग ध्यान देना बेटा, रिलेटिव मतलब तीन लोग, कौन कौन? मैं, मेरी स्पाउस और मेरे चुन्नू मुन्नू, हाँ या ना? ध्यान रखना बेटा, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, कौन कौन? अब थोड़ी कहानी उलझने लगी, मेरे कौन? भाई बहन। ध्यान रखना मेरी वाइफ के साला साली की बात नहीं हो रही है, ब्रदर इन लो ब्रदर, समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? असेसी के भाई बहन की। और बेटा असेसी के पापा मम्मी,
पापा और मम्मी, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा इसमें से बताओ कौन से तीन लोगों का तो बिल्कुल हक बनता है रिलेटिव होने का? असिफी, उसके स्पाउस और उसके चिल्ड्रन, इनका तो हक बनता है रिलेटिव होने का, हाँ या ना? क्योंकि बेटा अगर ये फैमिली नहीं हुई तो फिर किसको फैमिली बोलोगे, हाँ या ना? लेकिन बेटा थोड़ा बहुत हक किसका भी है? अरे इधर देखो ना यार, मम्मी पापा पे पूछिए, भाई बहन को पहले घुमाओ, थोड़ा बहुत हक किसका भी है? भाई बहन का। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात, भाई बहन का हक जब है जब ये आप पे डिपेंडेंट है, जब क्या है, मतलब मेरे भाई का सब कुछ मैं ही हूं तो वो मेरा क्या है, रिलेटिव। अगर बेटा मेरा भाई भी सीए है मेरे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है तो वो मेरा रिलेटिव नहीं है। क्लियर है आपको? बेटा यहां पर पैसा बोलता है, क्या बोलता है? अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है मेरा भाई तो उसको भी घुमाने की जिम्मेदारी किसकी? समझ रहे ना? उसको अच्छा नहीं लगेगा, हाँ या ना? मेरी बहन डिपेंडेंट किस पे? मुझ पे, तो उसको घुमाने की जिम्मेदारी भी किसकी? बेटा इनकम टैक्स वाले मजबूरियों को समझते हैं, परेशानियों को समझते हैं, ठीक। तो बेटा ब्रदर सिस्टर रिलेटिव होंगे लेकिन कब होंगे? जब वो आपके क्या है? बेटा मम्मी पापा भी रिलेटिव होंगे लेकिन जब जब वो आपके क्या है? क्लियर है आपको इतनी बात? ध्यान रखना इतनी वोलेटाइल डेफिनेशन है रिलेटिव की, हर जगह चेंज हो जाएगी, कभी कभी तो बच्चों को लात मार देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे? हाँ बेटा, डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली, मतलब मेरे बिना उनका गुजारा चलता ही नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भाई कुछ नहीं करता और मेरा भाई मुझे ही, मतलब मेरे साथ ही रहता है, तो क्या वो मुझ पे डिपेंडेंट है? समझ रहे हैं आप लोग? क्या उसका भी जिंदगी जीने का हक बनता है? सोच के बताना, बनता है? आपके भी बड़े भाई बहन होंगे, आप भी शायद डिपेंडेंट हो जाएं, थोड़े बहुत टाइम के लिए डिपेंडेंट हो सकता है। तो बेटा जब तक डिपेंडेंट है जब तक क्या रहेगा? रिलेटिव, फॉर द पर्पज ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। क्लियर है? और मम्मी पापा रिलेटिव कब रहेंगे? जब वो आप पे क्या है? डिपेंडेंट। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना बेटा बच्चे रिलेटिव तो हैं लेकिन बच्चों, और बच्चों का एग्जेम्पशन भी मिलेगा लेकिन मैक्सिमम दो बच्चों का मिलेगा। कितने बच्चों का? अब बारीकी बता रहा हूं मैं आपको, आपको रिलेटिव की डेफिनेशन क्लियर है? ध्यान रखना बेटा जिस बारीकी की बात कर रहा था, जो हंसने वसने की बात कर रहा था, वो अब बता रहा हूं, मजाक मस्ती नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे, ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन पढ़ रहे थे, लीव ट्रेवल कंसेशन में फैमिली की डेफिनेशन देखिए, आप लोग को क्लियर है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, अगर मुझ पे डिपेंडेंट है तो वो मेरे क्या है? रिलेटिव। तो बेटा अगर वो सब भी घूमने जाएंगे ना तो मुझे क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा मेरे साथ। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है आप लोग को इतनी बात? दूसरी चीज बेटा, एग्जेम्पशन मिलेगा लेकिन मैक्सिमम कितने बच्चों का मिलेगा? बच्चों में रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखना, मम्मी पापा में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखना रिस्ट्रिक्शन किस पे है? यार किसी किसी की मल्टीपल पापा नहीं होते, किसी किसी की मल्टीपल मम्मी नहीं होती, क्या स्टेट डेट भी होते हैं? होते हैं बहुत सारे लोग, हाँ या ना? ऑफिशियल असाइनी भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ध्यान रखना रिस्ट्रिक्शन किस पे है? रिस्ट्रिक्शन बच्चों पे है। समझ रहे हैं आप लोग? मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? ध्यान रखना बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सुनो मेरी बात बेटा, बच्चे तो हो सकता है पांच हो, बच्चे तो हो सकता है चार हो, तीन हो, एक हो, मैक्सिमम कितने बच्चों तक का बेनिफिट मिलेगा? मैक्सिमम बेनिफिट कितने बच्चों तक का मिलेगा? टू चाइल्ड तक का। कितने का? सब लोग ध्यान देख रहे हैं कितने बच्चों की रिस्ट्रिक्शन है यहां पर? दो चाइल्ड की रिस्ट्रिक्शन है। ध्यान रखना बारीकी स्टार्ट होने वाली है बेटा, 1/10/1998, एक बार डेट कंफर्म कर लूं, अजीब सी डेट है, 1/10/1998, हाँ बेटा, अगर 1/10/1998 के बाद हुआ ना, बाद आप जा रहे हो, मतलब 1/10/1998 के बाद है दो चाइल्ड की रिस्ट्रिक्शन। दो बच्चों की रिस्ट्रिक्शन कब है? 1/10/1998 के पहले। आप समझ रहे हैं ये? सुनो मेरी बात बेटा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से है। किस लिए है? आपको पता है ना, गवर्नमेंट तरह तरह से, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट फैसिलिटीज देके हम लोग को क्या करवाती है? अवेयर करवाती है। तो बेटा ये अवेयरनेस गवर्नमेंट कब जागी थी?
गवर्नमेंट कब जागी थी? 1/10/1998 से पहले, तो उससे पहले तो गवर्नमेंट सो रही थी। तो अगर उससे पहले किसी के पांच बच्चे थे, उससे पहले किसी के पांच चिल्ड्रन थे, तो उन पांचों बच्चों का क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको समझ आना चाहिए बेटा, 1/10/1998 तारीख क्या है? 1 अक्टूबर 1998। उससे पहले कितने भी बच्चे थे, उन सबका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? लेकिन उसके बाद, फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरी शादी अभी हुई, मेरी शादी कब हुई? 1/10/1998 के बाद ही बच्चे होंगे, क्योंकि मैं ही उसके बाद पैदा हुआ था, हाँ या ना? तो बेटा मेरे केस में बताओ कितने बच्चों की रिस्ट्रिक्शन रहेगी? दो बच्चों की। फॉर एग्जाम्पल मेरे तीन बच्चे हैं, मेरे कितने बच्चे हैं? तो बच्चे तीन है, ठीक है, लेकिन बेनिफिट कितने बच्चों का मिलेगा? दो का मिलेगा, हाँ या ना? इतना क्लियर है आपको? थोड़ी सी और बारीकी है बेटा, थोड़ी सी और बारीकी है। डेट क्या है? 1/10/1998। बेटा इससे पहले मेरा एक बच्चा था, इससे पहले मेरा क्या था? चाइल्ड था। क्या था? इंग्लिश की धज्जियां उड़ा दी थी अपन ने। इससे पहले मेरा क्या था? एक बच्चा। 1/10/1998 के बाद एकदम से सरप्राइज पेपर बेटा, दो ट्विन्स आ गए। क्या आ गए? सब लोग ध्यान दे, हंसना किसी को नहीं है। 1/10/1998 से पहले कितने बच्चे थे? तो क्या मुझे पता था आगे क्या होने वाला है? आगे ट्रेजेडी होने वाली है क्या? मुझे पता था। तो आगे ट्विंस हो जाए, आगे ट्विंस से भी ज्यादा होते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर वो सब हो जाए तो बताओ एग्जेम्पशन कितने का मिलना चाहिए? बताओ, पहले से एक था, पहले से एक था और अचानक एक ही बार में दो हो जाए, तो उसमें मेरी कोई गलती है क्या? तो उस केस में मुझे ये बताओ कितने बच्चों का एग्जेम्पशन मिलेगा? तीनों का मिलेगा, क्योंकि क्या मुझे ख्वाब आ रहे थे ऐसा कि ऐसा होने वाला है? आप बताओ, नहीं ना? तो बेटा इस केस में मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मेरी किस्मत ऐसी थी, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन पता है गुनाह कब हो जाएगा? ध्यान रखना सब लोग, एक लास्ट पॉइंट है, सब लोग ध्यान देना। बच्चे दो चाइल्ड थे ऑलरेडी, नहीं दो ट्विंस ऑलरेडी थे, फर्स्ट ही पहले ही ट्विंस हो गए, पहले ही क्या हो गए? सब लोग ध्यान देंगे, बच्चे पहले ही क्या हो गए? ट्विंस। अब तो मुझे ऑलरेडी पता है ना कि दो हैं, हाँ या ना? अब अगर तीसरा यहां हो जाता है, इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोला? हाँ, लेकिन बेटा थे ना, मतलब दो ऑलरेडी थे ना, तो मेरे को रुक जाना चाहिए था, आई शुड हैव स्टॉप्ड, समझ रहे हैं आप लोग? सब लोग ध्यान दे बेटा, क्या पढ़ रहे थे सब लोग? यात्री गण ध्यान दे, क्या पढ़ रहे थे? लीव ट्रेवल कंसेशन। एयर से गए तो किससे कंपेयर करोगे? इकोनॉमी क्लास ऑफ एयर इंडिया। रेलवे से नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास एसी से कंपेयर करोगे एक्चुअल को, विच एवर इज करोगे लोअर। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या चेक करोगे? क्या रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है? क्या चेक करोगे? अगर रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है तो डिलक्स क्लास फेयर ऑफ बस। देखो मुझे नहीं पता क्या होता है डिलक्स क्लास, ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन पढ़ा अपन ने भी यही था और पढ़ा अपन भी यही रहे, समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग जब घूमने जाओ तो पता कर लेना क्या होता है डिलक्स क्लास बस फेयर। मेरे को नहीं पता, किसी को पता है क्या? बस मेरे को ऐसा पता है कि मेरे हिसाब से सबसे प्रीमियम होती होगी, सबसे प्रीमियम, समझ रहे हैं? सबसे प्रीमियम बस होती होगी, उसी को बोलते होंगे डिलक्स क्लास। क्लियर है आप लोग को? अच्छा मुझे बताओ, रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप बेटा ऐसी जगह जा रहे हो जहां ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, तो इस बार आपको देखना पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस अगर आप रेलवे से जाते तो कितना खर्चा आता फर्स्ट क्लास एसी में, आया ना? सबको क्लियर है? अच्छा, और लीव ट्रेवल कंसेशन किसके लिए मिलेगा? फैमिली के लिए। किसके लिए? फैमिली नहीं, फैमिली नहीं बेटा, मुझसे गलती हुई, फैमिली नहीं, क्या बोलते हैं ये लोग? रिलेटिव। रिलेटिव में तीन लोग तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे, मैं, अच्छा ये इनका तो हक भी बनता है यार फैमिली होने का, हाँ या ना? मतलब इन, समझ रहे हैं आप लोग?
लेकिन बेटा भाई बहन और मम्मी पापा भी फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं अगर वो डिपेंडेंट हो तो, हाँ या ना। अच्छा, लीव ट्रेवल कंसेशन में बच्चों का बेनिफिट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1/10/1998 के बाद दो, 1/10/1998 के बाद कितना? दो, हाँ या ना। 1/10/1998 के बाद आपको पता है 1/10/1998 से याद आना चाहिए इस दिन गवर्नमेंट जागी होगी। क्या हुआ होगा? इस दिन से गवर्नमेंट ने जागरूकता फैलाई होगी या फिर इस दिन से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया होगा, हाँ या ना। तो 1/10/1998 के पहले से आपके 10 बच्चे भी थे तो 10 बच्चों को एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा पक्का। लेकिन बेटा 1/10/1998 के बाद कितने ही बच्चों का मिलेगा? दो बच्चों का मिलेगा, लेकिन पहले एक बच्चा था, बाद में ट्विंस हो गए तो गलती से तीन हो गए, गलती से कितने हो गए? लेकिन बेटा वहां पर आपको बेनिफिट कितने बच्चों का मिलेगा टोटल? ये कैसा तीन हो गया? कितने बच्चों का मिलेगा? तीन बच्चों का। क्लियर है सबको इतनी बात? अच्छा, पहले से ट्विन थे, पहले से कितने थे? बाद में एक सिंगल बच्चा हो गया, 1/10/19 यहां पर ट्विंस थे दो, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर एक यहां हो गया, मतलब मेरे बच्चे कितने हो गए? तीन। लेकिन क्या मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे दो ऑलरेडी हैं? क्या मेरे दो लाल ऑलरेडी थे? तो छोड़िए अब आगे ना। क्लियर है आपको इतनी बात? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, 1/10/1998 से पहले ट्विंस हो गए, क्या हो गए? बाद में फिर एक हो गया, लेकिन वो भी पहले ही हुआ, फिर एक हो गया, फिर ट्विंस हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले कितने भी बच्चे हो सबका क्या मिलेगा? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा ये तो बोल रहे थे जिससे पहले के तो पूरे बच्चों का ही मिलना है, हाँ या ना। इसके बाद वाले केस में अपन को दो बच्चों का देखना पड़ेगा। क्लियर है आप लोग को? सबको क्लियर है? बच्चे क्लियर है? एक सेकेंड, अब एक बार यहां पर देख लें, एलटीसी का एग्जेम्पशन अवेलेबल है, लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन अवेलेबल है फॉर ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब क्या? एसएससी। एम्प्लॉई मतलब क्या? उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड। देखिए, एम्प्लॉई जो भी हो, एम्प्लॉई का जेंडर जो भी हो, उसका जो भी स्पाउस होगा, उसकी जो भी स्पाउस होगी, उसका भी बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना। और बेटा उसके चिल्ड्रन का भी मिलेगा, उसके चिल्ड्रन का भी मिलेगा, हाँ या ना। अच्छा, चिल्ड्रन में आपको वो दो बच्चों वाली कहानी थोड़ी सी है, ये सुनो। और बेटा चिल्ड्रन के अलावा और किसका मिलेगा? डिपेंडेंट रिलेटिव का। किसका? मदर फादर ब्रदर सिस्टर, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ये बात? आगे आप देखेंगे, ऑन और आफ्टर 1/10/1998, 1/10/1998 के बाद एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर टू चिल्ड्रन। कितने बच्चों को मिलेगा मैक्सिमम? दो बच्चों को। ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट टाइम एक चाइल्ड हुआ था, बाद में ट्विन हो गए, ध्यान रखना। ट्विन अगर बाद में हो जाते हैं तो गलती आपकी नहीं होती, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कुछ, है ना। तो पहले एक बच्चा था, पहले कितने बच्चे थे? बाद में दो हो गए, तो बेटा वहां पर गवर्नमेंट बोलती है आप, मतलब वो आपके हाथ में नहीं था, हाँ या ना, यस और नो। तो बेटा उस केस में आपको बेनिफिट कितने का मिल जाएगा? पूरे तीनों बच्चों का। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, आगे, फर्स्ट टाइम ही ट्विन हो गए थे, फर्स्ट टाइम क्या हो गए थे? अब तो आपको पता है ना कि आपके कितने लाल हैं? दो लाल हैं, हाँ या ना। आगे आप समझदार हैं बेटा, आपके दो लाल ऑलरेडी थे, तीसरे लाल का फिर नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप? क्लियर है सबको? बेटा यहां पर इन दोनों केस में फर्क है, ट्विंस होने वाले हैं, आपको पहले से पता नहीं था, समझ रहे हैं? तो इसलिए वहां पर आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऑलरेडी ट्विंस थे तो ये तो आपको पता ही है ना आपके कितने लाल ऑलरेडी हैं? दो। और गवर्नमेंट चाहती भी आपके कितने लाल है? दो ही चाहती है, हाँ या ना। देखो हमारी गवर्नमेंट तो दो चाहती है, चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमारी गवर्नमेंट तो क्या चाहती है? दो। सबको क्लियर है ये बात? ये चीज सबको क्लियर है? चलिए एक छोटा सा प्रोविजन और है, एक और परकेजिट अपन देखेंगे। बेटा परकेजिट में सबसे पहले अपन ने क्या देखा? लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन सबको क्लियर है?
आगे अपन देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, क्या देखेंगे? ध्यान रखना बहुत इजी है, मेडिकल फैसिलिटी वाला ऐसा है कि दो मिनट में ही खत्म हो जाए, पांच मिनट में खत्म हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड करी जा रही है, कहां पर? इंडिया। सब लोग ध्यान देंगे बेटा, जो मैं मार्क करूंगा सिर्फ उसको देखना, अगर आप आगे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और आपका फोकस होना चाहिए समझने पे। देखो समझना भी है, याद भी करना है चीजें, क्लियर है सबको? तो अपन क्या बात कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं? मेडिकल, क्या मेडिकल फैसिलिटी अगर मैंने आपको प्रोवाइड करी तो देट इज ऑल्सो अ परक्विजिट। फैसिलिटी मतलब क्या होता है? बेनिफिट, और फैसिलिटी या बेनिफिट को ही तो हम क्या बोलते हैं? परक्विजिट। आया ना? तो बेटा अगर इंडिया में ट्रीटमेंट हुआ, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो कुछ और है, और अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो कुछ और है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? सुनिए, हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? ट्रीटमेंट इन इंडिया। अगर सुनिए, क्या पढ़ रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटी क्या पढ़ रहे हैं, और मेडिकल फैसिलिटी में भी क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो बेटा ट्रीटमेंट इन इंडिया कहां पर हो रहा है? या तो हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या कहां हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर कहां हो रहा है? एम्प्लॉयर्स के और हॉस्पिटल। आप बताइए ना, कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, किसका है? रिलायंस के ट्रस्ट का है, किसका है? समझ रहे हैं आप लोग? जैसे BHEL है, उनके भी स्कूल्स, उनके भी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके भी कॉलेजेस होते हैं, हाँ या ना? तो बेटा ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर रहते हैं, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि TCS, ये लोग बेटा अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग? अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए कॉलेजेस भी बनाते हैं। देखो बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शनल बनाते हैं अपने आप का नाम करने के लिए, उसी से तो इनकी पब्लिसिटी होती है, हाँ या ना? वैसे ही बेटा ये अपने एम्प्लॉयज के इलाज करने के लिए क्या भी बनाते हैं? हॉस्पिटल्स। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो बेटा मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है इंडिया के अंदर, पहली चीज कहां पर करी जा रही है? और इंडिया के अंदर करी जा रही है या तो सरकारी हॉस्पिटल, कहां पर? एम्स में, BMHRC में, या ऐसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, बड़े छोड़ो कैसे भी हॉस्पिटल में। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको मेडिकल फैसिलिटी कहां पर प्रोवाइड करी जा रही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर कहां करी जा रही है? खुद के हॉस्पिटल में। कहां करी जा रही है? या फिर तीसरी करी जा रही है, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। किसके रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में? तो बेटा इन तीनों केस में क्या है? फुली एक्शन। क्या है? सब लोग ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, इंडिया की बात कर रहा हूं या इंडिया की बाहर की बात कर रहा हूं? इजी है, बहुत इजी है। इंडिया की बात कर रहा हूं या बाहर की? इंडिया की बात कर रहा हूं, और इंडिया में तीन हॉस्पिटल्स में, या तो सरकारी, या तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या फिर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, या फिर गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। इन तीनों हॉस्पिटल में कर रहे हो ना, फुली एग्जाम क्या हो जाएगा? फुली एग्जाम। सबको क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना बेटा, अदरवाइज फुली टैक्सेबल, मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया तो क्या होगा? फुली टैक्सेबल। प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया तो क्या? फुली टैक्सेबल। ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हर किसी हॉस्पिटल को नहीं करती होगी, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट की मजबूरी होती होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर हॉस्पिटल होते हैं, हाँ या ना? तो कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज वही होता है। तो बेटा बाई चांस, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा हो, बाई चांस किसी एम्प्लॉय को क्या हो जाए? कैंसर हो जाए, तो बताओ क्या उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट इलाज करवाने भेजेगी, या एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में भेजेगी, या उस चीज का जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया होगा उसने? समझ रहे हैं आप? रिकॉग्नाइज हर किसी को नहीं करते होंगे बेटा, ये आलतू फालतू जो हॉस्पिटल होते हैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते होंगे, कुछ अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते होंगे ना, जो स्पेशल है, समझ रहे हैं, जहां पर जान बचाई जा सके किसी, ऐसे हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट क्या करती होगी? रिकॉग्नाइज। अगर बेटा गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या फिर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, या फिर गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, इन तीनों ही केस में क्या होगा? फुली एग्जेम्प्ट। क्लियर है आपको? और बेटा अगर आलतू फालतू हॉस्पिटल है, फुली, ध्यान रखना आपको आलतू फालतू ये सब चीजें याद रखनी नहीं है, आपको वो बताएगा कि आपको मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में दी, या फिर मेडिकल फैसिलिटी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल पे दी। समझ रहे हैं आप लोग? आपको ऐसे कोई याद नहीं रखना कि एम्स आएगा या नहीं आएगा, बेटा वो आपको बताएगा,
वो आपको इन तीन में से एक वर्ड लिख के देगा कि आपको मेडिकल फैसिलिटी पता है कहां प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कहां प्रोवाइड करी, या फिर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करी, या फिर कहां करी, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। तो बेटा ये तीनों क्या अच्छी अच्छी जगह दिख रही है, भरोसेमंद जगह दिख रही है आपको, फुली एग्जेम्प्ट, भरोसेमंद जगह है तो फुली एग्जेम्प्ट, और बेटा अगर भरोसेमंद जगह नहीं है तो मतलब यहां पर गवर्नमेंट ने आर पार की लड़ाई लड़ी है बेटा। यहां पर गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता नहीं निकाला कि कुछ टैक्सेबल कुछ एग्जेम्प्ट, यहां पर क्या बोला है या तो पूरा एग्जेम्प्ट या पूरा टैक्सेबल। क्लियर है आपको इतनी बार, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है इतनी बार, ध्यान रखना बेटा। ट्रीटमेंट इन इंडिया में यही है, इजी था, इजी है ट्रीटमेंट इन इंडिया। अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है या एम्प्लॉयर का नहीं गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या फिर गवर्नमेंट का भी नहीं रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उस केस में फुली एग्जेम्प्ट वरना फुली टैक्सेबल। क्लियर है सबको इतनी बात। अब बात करेंगे बेटा ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की, किसकी बात करेंगे, मतलब अपन इतने बड़े आदमी हो गए कि छींक भी आ रही है तो इलाज करवाने कहां जा रहा है, यूएसए कहां जा रहा है। तो अब हम कौन सी वाली बात करेंगे, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की। ध्यान रखना बेटा कोई कोई सी चीजें तो इंडिया के बाहर ही अच्छी होती हैं, हाँ या ना, लेकिन मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट कहां हो रहा है, भले ही किसी खतरनाक बीमारी का हो रहा है या किसी छोटी मोटी बीमारी का हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है आपको, क्लियर है ट्रीटमेंट इन इंडिया आपको क्लियर है, ये बताओ मुझे। तो ध्यान रखना ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में कुछ तीन टाइप के खर्चे होंगे। पहला तो क्या होगा, एक ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, क्या होगा वापिस से ध्यान दें, थोड़ा सा माइक इधर उधर हो गया था। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया मतलब ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है बेटा। यहां पर तीन टाइप के खर्चे हो सकते हैं। पहला खर्चा होगा ट्रीटमेंट का खर्चा, इलाज करवाने का खर्चा। आप बताओ इलाज करवाने के खर्च, इलाज करवाने के खर्चे के अलावा क्या वहां पर जाने का खर्चा भी एक बड़ा खर्चा है? तो दूसरा खर्चा क्या होगा, ट्रेवलिंग का खर्चा। और बेटा वहां पर रहना भी क्या बड़ी बात है, आप बताओ मुंबई दिल्ली में रहना बड़ी बात है, तो न्यूयॉर्क वगैरह जैसी जगह वहां पर रहना कितना खर्चा होता होगा, हाँ या ना। तो तीसरा खर्चा क्या होगा, स्टे का खर्चा। समझ रहे हैं आप लोग बेटा, इंडिया में जब हो रहा था तो क्लियर थी बात, या तो फुली एग्जेम्प्ट था या फुली टैक्सेबल था, ये सुनो। जब ट्रीटमेंट कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। अब तीन टाइप के खर्चे हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने टाइप के खर्चे होंगे। एक तो होगा बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ या ना, मतलब एक्चुअल जिसके लिए आप गए बेटा, इसी के लिए तो आप गए थे बाहर, ये सो नो। दूसरा वहां पर आप गए हो तो क्या आपको वहां रहना भी पड़ेगा, ये सो नो। और बेटा वहां पर जाने में भी आपको कुछ खर्चा लगेगा, हाँ या ना, सब लोग ध्यान देना। आप बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट स्टे एग्जेम्प्ट है, कितना ध्यान रखना बेटा, आपको ध्यान आना चाहिए यहां पर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई है, क्या इन्वॉल्व हो गई है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई है, हाँ या ना। तो कितना तक एग्जेम्प्ट रहेगा, जितना आरबीआई बोलेगी, जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी, जितना आरबीआई अलाउ करेगी, जितना आरबीआई आपसे बोलेगी कि हाँ इतना खर्चा कर दो, ये सो नो। ध्यान रखना बेटा फॉरेन ट्रेवल, अपन फॉरेन मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड अपन ने क्या पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और हमने देखा था कि फॉरेन करेंसी बहुत ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है वरना देश बर्बाद हो सकता है, हाँ या ना। तो फॉरेन करेंसी वो भी एक खतरनाक एक पढ़ा था हमने, सुनिए एग्जेम्प्ट कितना होगा, अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय। और बेटा जब ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज करते हैं ना, इसका मतलब रूल्स में बताएंगे, प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स के रूल है इनकम टैक्स रूल्स 1962। जब ये बोलते हैं प्रिस्क्राइब मतलब ये कहां पर बात करेंगे उसकी, मतलब आप समझ रहे हैं यहां पर एक्ट ने हाथ खड़े कर दिए, यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा। एक्ट ने क्या बोला, एक्ट ने इतना बोल दिया कि कुछ तो एग्जेम्प्ट रहेगा लेकिन कितना रहेगा ये कहां, ये प्रिस्क्राइब का मतलब होता है बताया जाएगा। क्या बोल दिया एक्ट ने, एग्जेम्प्ट तो रहेगा और एग्जेम्प्ट कितना रहेगा, जितना आरबीआई बताएगी, जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी आपको, इतना क्लियर है। ध्यान रखना जिस रूल्स की मैं बात कर रहा था, इनकम टैक्स रूल्स 1962, बेटा ये आरबीआई के रूल्स है ही नहीं,
ये आरबीआई के नहीं, ये किसके रूल्स हैं, और यहां पर कौन प्रिस्क्राइब करेगा? तो बेटा यहां पर इनकम टैक्स रूल की बात नहीं हो रही, पहली चीज। अच्छा, आपके लिए काम की है भी नहीं वो बात, ठीक है, रूल्स हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि प्रिस्क्राइब करूंगा, बस प्रिस्क्राइब का मतलब आप इतना समझ लेना कि मैंने हाथ खड़े कर दिए, आगे बताया जाएगा। आगे कहां बताया जाएगा? रूल्स में बताया जाएगा। प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड याद आते से ही किसी भी एक्ट में। बेटा आप तो बहुत सारे एक्ट पढ़ चुके हो, आपको क्या बता रहा हूं मैं, बताओ। फीस प्रिस्क्राइब लिखा है कि फॉर्म 10 फाइल करना है ऑन पेमेंट ऑफ फीस, एस में भी प्रिस्क्राइब। तो बेटा एस में भी प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है? एक्ट ने हाथ खड़े कर दिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए कौन आएगा? रूल्स आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा गवर्नमेंट पता है ऐसा क्यों करती है? एक्ट को चेंज, मुझे बताइए, अगर एक्ट को चेंज करना है ना, एक्ट के एक सेक्शन को भी चेंज करना है, तो बेटा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस उसको करना पड़ता है, आया ना? लेकिन बेटा रूल्स को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर देती है। रूल्स को कौन चेंज कर लेती है? तो रूल्स का मतलब मैं आपको बताऊं आज के बाद, रूल्स में आप याद रखना, रूल्स मतलब वो चीज जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, जब चाहे जब चेंज कर सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? रूल्स का मतलब क्या होता है? पावर किसने अपने पास रख ली? सीजी ने अपने पास रख ली कि जब हम जैसा जैसा बोलेंगे, हो सकता है कल हम 5 लाख बोले, अगले साल 10 लाख बोल दे, लेकिन ये बोलने की पावर किसके पास है? हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब भी लिखा होता है ना ऑन पेमेंट ऑफ फीस प्रिस्क्राइब, वहां पर गवर्नमेंट अपने पास ताकत रखती है, पावर रखती है कि हम जब भी चेंज करें चेंज हो जाए इजीली। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखना बेटा, बहुत सारी बातें फालतू की हो गई, जितनी बात काम की है अब वो बताऊंगा। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, 3 टाइप के खर्चे होंगे, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे, बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। बेटा 2 टाइप के खर्चे, ट्रीटमेंट और स्टे। आप बताओ ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्या आपको रहना भी पड़ेगा वहां? बेटा इन 2 टाइप के खर्चों में एग्जेम्प्ट रहेगा। कितना एग्जेम्प्ट रहेगा? जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी। आपको समझ आना चाहिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब सीजी करेगी या आरबीआई करेगी, मतलब यहाँ पर पावर किसने अपने पास रख ली? आरबीआई ने अपने पास रख ली। बेटा आरबीआई भी वैसे तो आप मान लो आजकल तो सीजी हो चुकी है, हाँ या ना? तो आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी कि कितना खर्चा आपको अलाउड है, और पता है वो किस अकॉर्डिंग करेगी? बेटा फॉरेन करेंसी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? चलिए, और बेनिफिट ऑफ स्टे, बेनिफिट ऑफ ट्रेवल, किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान रखना, बेनिफिट ऑफ ट्रेवल के केस में आपको अपनी इनकम देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? अगर बेटा आपकी इनकम 2 लाख तक है, बेटा किसी की इनकम 2 लाख तक होगी तो वो बाहर जाने का सोचेगा भी क्या? खर्चा कराने, मतलब बाहर ट्रीटमेंट कराने जाएगा क्या? तो इनने क्या बोला, अगर किसी की ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है, तो क्या है? और 2 लाख से ज्यादा है तो क्या है? और मैं आपको बताऊं बेटा, 2 लाख इतना सा अमाउंट है, कोई 2 लाख कमाने वाला बंदा क्या ही बाहर इलाज कराने जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा जा तो सकता है, लेकिन वो ऐसा बंदा जा सकता है जैसे कि सलमान खान। सलमान खान के पास बहुत पैसा है, कल को वो काम करना छोड़ दे तो क्या उसकी इनकम 2 लाख से भी कम हो सकती है? अरे मान लो यार हो सकती है, अरे मान लो यार 2 मिनट के लिए, मुझे भी मालूम है नहीं हो पाएगी, लेकिन हो सकती है क्या? हाँ या ना? चलो सलमान खान को छोड़ो यार, नहीं यार अपना ट्रीटमेंट में तो अपन को डर लगता है, ऐसे एग्जाम्पल में तो नाम ही नहीं लेंगे, पुतिन का नाम लेंगे बहुत आराम ही है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पुतिन। और पुतिन आज पहली बार क्या है? रेसिडेंट। पुतिन क्या है? है ना? पुतिन बेटा, पुतिन, पुतिन, पुतिन ने आपको पता है बहुत काम लगाए दुनिया के, और बहुत करोड़ों रुपए छाप लिए, हाँ या ना? पुतिन ने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपए छाप लिए। अब बेटा पुतिन को सर्दी हो गई, 50 साल बाद रिटायरमेंट होने के बाद क्या हो गई? और सर्दी का इलाज करवाने वो इंडिया में एक बाबा है उनके पास आ रहा है, फॉरेन में क्या करवाने आ रहा है? ट्रीटमेंट। अच्छा आपको पता है ना पुतिन के लिए इंडिया फॉरेन है? अपन थोड़ा एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं हंसी मजाक में, ठीक है आप लोग चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा पुतिन इंडिया में इलाज कराने आ रहा है, क्या इसी को देखो, अपन को तो ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए हम तो रशिया में बैठे हैं, ट्रीटमेंट आउटसाइड रशिया पढ़ रहा है हम, तो क्या पढ़ रहे हैं? ट्रीटमेंट आउटसाइड रशिया। तो बेटा पुतिन की इनकम, पुतिन करोड़ों रुपए कमा चुका है, पुतिन की 100 करोड़ कमा चुका था, पुतिन की नेटवर्क कितनी है? 100 करोड़ रुपए। पुतिन ने संन्यास लेने के बाद उसकी कोई भी इनकम नहीं बची, और उसकी जो भी इनकम थी ना वो सब ऐसी थी, अब ऐसी रिकरिंग जैसे होता है ना इन्वेस्टमेंट हो, तो जैसे रेंट वगैरह आ रहा हो, उसकी ऐसी भी कोई इनकम नहीं है। मतलब पुतिन की इनकम कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई?
तो बेटा पुतिन, अब पुतिन के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो आज भले उसकी इनकम जीरो है लेकिन क्या ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या वो फॉरेन जा सकता है इलाज कराने, क्या वो बियर कर सकता है कॉस्ट, हाँ या ना? तो बेटा उसके केस में क्योंकि उसकी इनकम 2 लाख से अंदर है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्लियर है सबको? और बेटा अगर उसकी इनकम 2 लाख से ज्यादा होती तो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा, सबको क्लियर है इतनी बात? एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल परकेजिट एक बार रिवाइज करवा लें बेटा। इंडिया में होता है तो कुछ अलग है, इंडिया के बाहर होता है तो कुछ अलग है, हाँ या ना? बेटा इंडिया में होता है तो चीजें सिंपल है, अगर 3 हॉस्पिटल में हो रहा है, कहाँ, या तो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हो रहा है, तो बेटा फुली एग्जेम्प्ट। आर पार की लड़ाई है, ध्यान रखना, उन 3 हॉस्पिटल के अलावा किसी हॉस्पिटल में हो रहा है फुली टैक्सेबल, क्लियर है आपको? ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, कहां हो रहा है? 3 टाइप के खर्चे हो सकते हैं, ट्रीटमेंट का खर्चा, स्टे का खर्चा और ट्रेवलिंग का। ध्यान रखना ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा एक साथ देखेंगे, किसका मतलब इलाज का खर्चा और वहां रहने का खर्चा। हो सकता है मेरे इलाज में हो सकता है पुतिन के इलाज में 2 महीने लग रहे हैं, आया ना? तो बेटा 2 महीने उसको रहना भी पड़ेगा, यस और नो? तो बेटा ट्रीटमेंट और स्टे, इन दोनों के केस में कितना एग्जेम्प्ट रहेगा, जितना आरबीआई बोलेगी, आरबीआई बोलेगी बेटा, आरबीआई एक्ट ने हाथ खड़े कर दिए, समझ रहे हैं आप लोग? और पावर किसके पास है, आरबीआई के पास, क्लियर है आपको इतनी बार? अच्छा स्टे, जाने का खर्चा, क्योंकि बेटा बाहर विदेश जाना भी एक खर्चा होता है जो कि बड़ा खर्चा है, बताइए ना, बड़ा ही खर्चा है यार। अरे कितनी भी छोटी सी छोटी कंट्री चलेगा 25-30 हजार रुपए का खर्चा तो आ ही जाएगा, तो 25-30 हजार भी बेटा छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, हाँ या ना? तो बेनिफिट किसकी बात कर रहे हैं अपन, ट्रेवलिंग की, बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग सिर्फ किसको मिलेगा, जिसकी इनकम कितनी हो, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम, ध्यान रखना बेटा ग्रॉस टोटल इनकम कितने तक हो, 2 लाख तक, मतलब एक बहुत छोटी सी लिमिट है, हाँ या ना? तो अगर किसी पर्सन की जीटीआई 2 लाख तक है तो फुली एग्जेम्प्ट, और जीटीआई अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल, सबको क्लियर है इतनी बात? ब्रेक है आपका, राइटिंग प्रैक्टिस है यार, 5 मिनट के लिए मुझे और दे दीजिए, मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मेरा कंसेप्ट खत्म नहीं होगा तो कल टाइम बर्बाद होगा फालतू में, ठीक है? वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन एक आध चीज बस इसमें और डिस्कस करनी है, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा बेटा। ये तो किसकी बात हो रही थी, फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब क्या होता है, परकेजिट, आया ना? मुझे बताओ अगर ये फैसिलिटी की जगह मेडिकल अलाउंस होता, ध्यान रखना बेटा भावनाओं में बच देना मत बहना, मेडिकल अलाउंस नाम से बहुत अच्छा दिख रहा है, एग्जाम वेग्जाम मत कर देना, क्या कुत्ता टीसी उधर में ये था? तो मेडिकल अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल। ध्यान रखना बेटा आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, आपके एम्प्लॉयर ने क्या करवाया, तो भी फुली एग्जाम, समझ रहे हैं आप लोग? अगर एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, फुली एग्जाम, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा वैसे तो है ना ये लोग खर्चा देखते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल के केस में, ये सब देखते हैं कितना, मतलब है ना, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन इंश्योरेंस को हमेशा ये लोग प्रमोट करते हैं, इंश्योरेंस को क्या करते हैं, तो अगर इलाज करवाया तो आप देखोगे ये सब चीजें, यस और नो? अगर इलाज करवाया तो आप देखोगे ये सब चीजें, लेकिन बेटा इलाज नहीं करवाया, क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो बेटा इंश्योरेंस को ये लोग प्रमोट करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस फुली एग्जेम्प्ट, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अच्छा बेटा यहां पर भी रिलेटिव है, यहां पर भी क्या है, और मेरे अकॉर्डिंग यहां पर भी रिलेटिव वही होना चाहिए जो लीव ट्रेवल कंसेशन में होता था। लीव ट्रेवल कंसेशन में क्या था, दो तो ये लोग होते थे रिलेटिव, हाँ या ना? और इनके चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू को सीएम लिख लेते हैं अपन, चुन्नू मुन्नू, और बेटा ये 3 तो रिलेटिव थे ही थे, इनके अलावा भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा, डिपेंडेंट है तो रिलेटिव थे। देखिए मुझे भी रिलेटिव की डेफिनेशन वगैरह याद नहीं रहती है, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है,
देख लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही होगी। इतनी जगह इतनी बार चेंज होती है ना कि अपन खुद भूल जाते हैं कि यार अपना रिलेटिव कौन है, कहां गया कहां गया कहां गया। ये एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब असेसी, हिज स्पाउस मतलब उसकी पत्नी या उसका पति, उसके चिल्ड्रंस मतलब उसके बच्चे, डिपेंडेंट रिलेटिव, सेम ही है बेटा, है ना, लीव ट्रेवल कंसेशन में जैसी थी वही है, बिल्कुल वही है एग्जैक्टली, हाँ या ना। अच्छा एक पॉइंट और खास है बेटा, ये वाला पॉइंट भी एक बार देख लें आप, अच्छा पॉइंट है ये वाला, ध्यान रखना बेटा। ऐसा नहीं है आप इलाज करवाने गए हो तो बारात लेके चले जाओ, समझ रहे हो बेटा। हम ठीक है, हम लोग थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ये लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे। इनका क्या कहना है कि आप इलाज करवाने जा रहे हो, आपको जरूरत तो पड़ेगी किसी की, लेकिन बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इंसान की, समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है आप लोग को। तो एग्जेम्पशन ऑफ स्टे, स्टे मतलब वहां रहने का और वहां ट्रेवलिंग करने का, आपको बेनिफिट तो देंगे, आपके अटेंडेंट का ही देंगे, लेकिन अटेंडेंट ऐसा ना हो पूरी बारात हो, अटेंडेंट में कितने होना चाहिए सिर्फ, तो बेटा बारात लेके तो जा सकते हो, लेकिन एग्जेम्पशन एक की मिलेगी आपके अलावा, क्लियर है आपको। तो मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस, आपको याद आना चाहिए कि इंश्योरेंस को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इसलिए उसने क्या कर रखा है, फुली एग्जेम। और रिलेटिव की डेफिनेशन सेम एज कैसी है, सेम एज लीव ट्रेवल कंसेशन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन की क्या रिलेटिव है वो भी भूल जाओगे, इसलिए सेम एज एलटीसी लिखने से काम नहीं चलने वाला। काम पता है कैसे चलेगा, आपको है ना चार्ट बनाना पड़ेंगे कि रिलेटिव की डेफिनेशन कहां पर क्या थी, समझ रहे हैं, आपको ऐसे चार्ट बनाना पड़ेंगे ताकि एट अ ग्लांस आपको दिखे कि यहां पर ये था, यहां पर ये था, यहां पर ये था, यहां पर ये, समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। बेटा रिलेटिव का चार्ट, रिलेटिव की डेफिनेशन का चार्ट तो मैं भी नहीं बनवा पाया आज तक, हाँ सैलरी का चार्ट मैं बनवा दूंगा और उससे आपको चीजें इजीली याद रह जाएंगी, लेकिन रिलेटिव का तो यार बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, क्लियर है आपको। तो रिलेटिव का जितना जितना अपन पढ़ते जाएंगे, आप क्या करते जाना, एक समरी चार्ट बनाते जाना, ताकि आप मतलब जिस दिन आप रिवाइज करना चाहोगे कहां पर रिलेटिव का मतलब क्या था, तो आपको एक ही जगह पे सब कुछ दिख जाए, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। अच्छा आपके साथ अटेंडेंट जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं, लेकिन एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, एक ही का मिलेगा, क्लियर है सबको। चलिए मेरी तरफ से खत्म हो गया, होप आप लोगों को समझ आया होगा, आया समझ है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT Educating India।